नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 13 सूत्री मांगों को लेकर किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो करेंगे चक्का जाम। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में भारतीय किसान संघ ने हनोटा डूब क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पठारी तहसीलदार आर के मेहरा को सौंपा गया, जिसमें बिना नदी पर चल रहे हनोटा सिंचाई परियोजना में जिन किसानों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है, उन किसानों को उनकी भूमि एवं परिसंपत्तियों के गन्ना पत्रक जल्द उपलब्ध कराएं। डूब क्षेत्र के जिन किसानों की मुआवजा राशि आज तक नहीं मिली, उन किसानों को जो फसल क्षति जल बढ़ा व अतिवृष्टि से हुई है, उनका सर्वे कराकर उनकी मुआवजा राशि किसानों के खाते में जल्द डाली जाए। बलराम तालाब योजना चालू की जाए, किसानों को 14 घंटे 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री अनुदान से विद्युत ट्रांसफार्मर योजना चालू की जाए। जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए तार फेंसिंग पर अनुदान दिया जाए। कृषि प्रधान देश में केंद्र सरकार देश का श्रुति बजट पेश करे, जैसे रेल बजट मनरेगा योजना को सीधे कृषि कार्य से जोड़ा जाए। प्रत्येक पंचायत स्तर पर वर्षा मापक यंत्र लगाया जाए। सोलर कृषि पंप योजना 90% अनुदान के साथ किसानों के लिए चालू की जाए। सभी जिलों में सर्व सुविधा युक्त कृषि महाविद्यालय खोला जाए। उक्त मांगों को अगर समय रहते पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ द्वारा उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। तत्वाधान में ज्ञापन दिवस के उपलक्ष में ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के नाम 31 सूत्रीय और 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन रखा गया है, और एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर साहब के महोदय के नाम है, जिसमें 14 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं, जिसमें प्राथमिकता से डूब क्षेत्र की समस्याओं को लिया गया है। अतिवृष्टि के साथ साथ डूब क्षेत्र के किसानों के साथ आज तक जो अन्याय होता चला आ रहा है, उसको उसकी तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना मेन उद्देश्य है। जिसमें किसानों को आज तक गणना पत्रक उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसमें उनकी परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है, सीधे सीधे राशि बताकर उनको राशि के पत्रक दे दिए गए, जिसमें सभी किसानों के मन में रोष है, उग्र है और धरना की परिस्थिति बन गई है, और हो सकता है भविष्य में ये आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है। महोदय को ज्ञापन दें, लेकिन SDM महोदय अभी तक मौके पर ना आई हैं और असमर्थता व्यक्त कर रही हैं आने में। सभी किसानों की राय है कि धरने पर बैठेंगे जब तक कि SDM महोदय ज्ञापन लेने नहीं आती।